दुनिया के कई धर्म एक लेजेंड की बात करते हैं, गार्डन ऑफ ईडन, जिसमें है खूबसूरत पेड़ और फूलों से लदे पौधे। एक ऐसी जगह जहां है हार्मनी, ब्यूटी और अबांडेंस, जहां की मिट्टी है फर्टाइल और खाने की कोई कमी नहीं। इंसान ने जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने के लिए बगीचे बनाए हैं, बल्कि यूँ कहे कि दुनिया की ज्यादातर क्विजींस काफी हद तक बेस्ड हैं प्लांट्स, हर्ब्स, नट्स और फ्रूट्स पर। ये बेशुमार सौगातें हमें मिली हैं इस धरती से। इस सीरीज में हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि ये क्विजींस कितनी डेवलप हुई हैं डिशेस बनाने में सब्जियों के साथ। शानदार रेस्टोरेंट से लेकर फार्म टेबल्स तक, धुरंधर शेफ से लेकर घर के कुक तक, ये एक शानदार जश्न होगा जमीन से मिलने वाली सौगात का। वेलकम टू फूड सफारी अर्थ। सफारी अर्थ के इस एपिसोड में वर्ल्ड क्लास शेफ पीटर गिलमोर की इंस्पिरेशन उनके अपने बगीचे से, लाजवाब थाई शेफ एमी चांटा की ग्रीन वेजिटेबल करी, और एल्केमिस्ट मार्टिन बेन करेंगे जादू बीट रूट के साथ। आजकल रेस्टोरेंट किचन्स में हरा रंग छाया हुआ है और सब्जियों का बोलबाला है। शेफ की कोशिश है कि इनसे ज्यादा से ज्यादा फ्लेवर और टेक्सचर निकालकर शानदार खाना तैयार किया जाए। ये वेजिटेबल सैलड टेबल पर ले जाओ। इस शानदार काम को आगे ले जाने में सबसे आगे हैं सिडनी बेस्ड शेफ पीटर गिलमोर। ओके, सर्विस प्लीज। जिनके मशहूर के हार्बर के दोनों तरफ वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही बेनालॉन्ग के ओपेरा हाउस में भी। ये टेबल नंबर 26 का ऑर्डर है। बहुत से बेहतरीन शेफ्स की ही तरह इनका ग्रोवर्स का अपना एक नेटवर्क है जो इन्हें पहुंचाते हैं हाई स्टैंडर्ड प्रोड्यूस, और साथ ही है इनका इम्प्रेसिव होम गार्डन जो आपको हैरान भी करता है और सिखाता भी है। ये देखिए क्या शानदार चीज है, एक पर्पल पॉटेड पी। ओह, इजंट इट प्रिटी, है ना? बहुत सी अलग अलग चीजें जो मैं उगा रहा हूँ काफी हद तक बिल्कुल नई हैं, इसीलिए पहले मैं इन्हें टेस्ट करता हूँ। लेट्स हैव अ ट्राई। ब्रॉड बीन फ्लावर। कुछ कह नहीं सकते कि किस चीज की जरूरत पड़े, इसका फ्रूट या फिर फ्लावर्स या शायद सीड पॉड्स, या हो सकता है शायद इसकी ग्रोइंग शूट्स, तो इसलिए लगातार टेस्टिंग और एक्सप्लोरिंग करते रहना पड़ता है। बहुत ही क्यूट खूबसूरत कोलराबी, ये वाकई कमाल है। हमको दुकानों में मिल जाती है और ये तकरीबन इतनी बड़ी होती है, एक बेसबॉल जितनी बड़ी, लेकिन इस साइज में ये बहुत टेंडर और खूबसूरत होती है। दुनिया भर में ज्यादा फोकस रहा है वेजिटेबल्स पर, ना कि प्रोटीन पर। आई थिंक प्रोटीन और वेजिटेबल्स की रेशियो एक प्लेट पे जैसे आपस में बदल गई है। पहले जहाँ ये 70-30 होती थी, वही अब ये 50-50 हो गई है। वजह है इतनी सारी वैरायटीज की वेजिटेबल्स, सबका अपना टेक्सचर, फ्लेवर, यू नो, उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लेंगे ये गॉर्जियस क्विजीन बेबी कैरेट्स। हम इनकी थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, नेचुरल शेप को बनाए रखना है, ऊपर की स्किन को हटाना होगा। बहुत ही कमाल की गार्निश बनती है सैलेड के लिए। एक तरह से आप बना रहे हैं आर्ट वर्क, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पहले लोग अपनी आँखों से खाते हैं, डिश अगर देखने में खूबसूरत हो तो टेस्ट दुगना हो जाता है। ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, मतलब मैं तो... अरे तो अप्रेंटिसेस किस लिए होते हैं? अब इसके बाद हम इन्हें उबलते हुए पानी में डालेंगे और थोड़ा ब्लांच करेंगे, तकरीबन 1.5 मिनट तक, और इसके बाद हम इन कैरेट्स को ठंडे पानी में डाल देंगे। फिर हम छोटे आर्टिचोक्स को काट लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा पानी और नींबू तैयार रखना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। आर्टिचोक्स का बेस काटते हैं और फिर ऊपर का 2/3 हिस्सा, उसके बाद पील, इसकी ऊपर की सारी पत्तियों को हटाएंगे। इसके बाद आर्टिचोक का अंदर वाला हिस्सा नजर आएगा, लेमन वाटर में डालेंगे इसे ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए। बॉटम को ट्रिम करेंगे, ये फ्राई करने वाली पत्तियां हैं। तब तक करते रहना है जब तक आप इसके कोर तक पहुंच ना जाएं। इसे किस में फ्राई करेंगे पीटर? बस थोड़े सनफ्लावर ऑयल या ग्रेपसीड ऑयल में क्विकली फ्राई करेंगे, और देखिए यही गोल्डन कलर हमें चाहिए था। ये देख रहे हैं आप? ये तो वाकई जल्दी था, नहीं? बिल्कुल, इट्स रेडी। थोड़ा सा नमक डालेंगे।
ये बढ़िया तरीका है बेबी आर्टिचोक्स बनाने का। अब हम सैलेड की तैयारी करते हैं। ये तो जैसे सोने पर सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्लेवर, टेक्सचर, विजुअल अपील, इन सभी से बनती है एक कमाल की डिश। अब इन छोटी कैरेट्स पर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। कैरेट्स हो गई हैं, अब हम लेंगे ये स्मोक आमंड्स और फिर पपीटस। इससे सैलेड क्रंची बनेगा। थोड़ा सा टच देंगे ऑलिव ऑयल का, जरा सा नमक, और देखिए इनकी चमक क्या बढ़ गई है। बिल्कुल कोहिनूर की तरह। यही सैलेड की खास बात है। तो ये देखिए हमारे पास है शीप्स एंड गोट्स मिल्क फेटा, साथ ही कुछ पपीटास और थोड़े स्मोक्ड आमंड्स, थोड़ी कैरेट्स हर एक सैलेड में। एक सैलेड ड्रेसिंग जो कि स्वीट और एसिडिटी का इस्तेमाल करती है वो आती है कैरमल से, जो कि बनता है शुगर और ड्राई शेरी से, जिन्हें अच्छे से मिलाकर उबाला जाता है। मैं इसे थोड़ी देर और करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कैरमल में थोड़ी सी बिटरनेस आ जाए। इट्स जस्ट काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं, एक बार कैरमल में बबल आ जाए तो हम डालेंगे शेरी और शेरी विनेगर। ये ड्रेसिंग ठंडी होने पर गाढ़ी हो जाएगी और तब इसे सैलेड में डालना आसान है। ये कुछ कुछ टॉफी जैसा है। यस, ये फेटा के अलग से फ्लेवर के साथ अच्छा काम करता है। ये हो गया। अब मैंने बनाई है थोड़ी सी कैरेट प्यूरे। इसके लिए मैंने बड़ी कैरेट्स ली, कुछ अनियंस, गार्लिक, वेजिटेबल स्टॉक, थोड़े बटर में कुक करके ब्लेंड किया। अब ऊपर से डालेंगे थोड़े क्रिस्पी आर्टिचोक्स। ये खूबसूरत टेक्सचर देंगे इस सैलेड को। अब इसका फन पार्ट, जब हम करेंगे गार्निश। ये है आइस प्लांट, आप देख सकते हैं ये सारे छोटे खूबसूरत क्रिस्टल और कुछ ब्रॉड बीन फ्लावर्स। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे जरा सा नेस्टर्शियम। और सबसे आखिर में जो हम करेंगे वो ये कि हम इसमें डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और बस ये खाने को तैयार है। कहाँ से शुरू करें? वाव। इतने सारे टेक्सचर्स महसूस हो रहे हैं, बहुत ही लाजवाब है, मजा आ गया। हम सबको प्रोटीन पसंद है, लेकिन जो मजा गार्डन की वेजिटेबल्स में है वो और किसी में नहीं। हाँ, और खाने के बाद अब बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। ये आपको हेल्दी रखता है और टेस्ट भी बढ़िया है इसका। ओ। And the party starts now. Welcome to Machu Picchu. That's what it's all about. Food. So many things I love to do. I respect you. So many things I love to do. What is better, the food or the view? So many things I love to do. Come and be a part of my adventures. चलिए सबसे स्वादिष्ट जगहों की खोज में Each Travel Repeat. आज रात 9 बजे Fox Life पर. मुकाबले आज मार्केट्स ज्यादा दिलचस्प हो गई हैं और हलचल भी काफी बढ़ गई है। जो हर्ब्स पहले मिलना काफी मुश्किल होती थी वो बड़ी तादाद में आराम से मिल जाती हैं। जो सब्जियां देखी भी नहीं थी वो भी अब बड़े आराम से मिल जाती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि कई अलग अलग इलाकों में अब हमारे पास ये सब उगाने वाले लोग हैं। जब एमी चांटा ने 1989 में अपना पहला छोटा सा थाई ईटरी खोला था तो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनके रेस्टोरेंट इस हद तक बढ़ जाएंगे। पूरे सिडनी में 5 चैक थाई रेस्टोरेंट हैं और उनकी बेटी पलिसा एंडरसन भी मालकिन है एक थाई फ्रेश प्रोड्यूस स्टोर और बहुत ही मशहूर कैफे की। इन दोनों माँ बेटी का बहुत पुराना सपना था फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई की बागडोर को पूरी तरह अपने हाथों में लेने का। कई बार जो देखने में अच्छा नहीं होता लेकिन टेस्ट अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। न्यू साउथ वेल्स के खूबसूरत नॉर्दर्न रिवर्स इलाके में एक तोहफा मिला है बहुत ही कमाल की रेड वोल्केनिक सॉइल का। वही एमी और पलिसा ने सींचा हुआ है अपना बून लक फार्म, जहां से सब कुछ आता है जो उन्हें चाहिए अपने रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर में। हम ब्रेक ऑफ डे से पहले ही हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। ये सबसे बढ़िया टाइम होता है क्योंकि मौसम ठंडा होता है, वेजिटेबल प्लांट्स मुरझाए हुए भी नहीं होते, जिससे ये होता है कि जब हम उन्हें बनाते हैं तो हमें मुश्किल नहीं आती है, वो सॉगी नहीं होती हैं। चाहे आप कितना भी स्टर फ्राई करें या चाहे आप उसकी करी बनाएं। ये हमने मिर्ची ले ली और ये है बेजल।
कमाल की खुशबू है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है, क्योंकि इन्हें हाइड्रोपोनिकली नहीं उगाया गया है और ना ही सॉइल बैग्स में उगाया गया है, इन्हें जमीन में उगाया गया है। वाओ, गोल्ड। इसे कहते हैं मिट्टी से सोना निकालना। इट इज। ये है जूल ड्रॉप या वाटर ड्रॉप एग प्लांट। ऐसे देखने पर बिल्कुल आंसू जैसे दिखते हैं। पुलिसा, आपके पास कितनी तरह के एग प्लांट हैं? इस वक्त मेरे ख्याल से 10 होंगे। 10? जी। दिस इज द लॉन्ग सिल्कन टाइप। इसमें कड़वापन नहीं होता है, ये एक स्वीट क्रिस्प एग प्लांट है और थाई में इसे कहते हैं मक्वाकून। और ये एप्पल एग प्लांट की एक बुश वैरायटी है। बहुत ही कम दिखाई देते हैं ये पी एग प्लांट। मार्केट में इन्हें ढूंढना आसान नहीं है। और एक ये है, ये एक्चुअली टर्किश वैरायटी है। तो इन दोनों का एक बेबी हुआ है और जो ऐसा नजर आता है। लॉन्ग ग्रीन एग प्लांट, जो कि काफी बेहतर होता है ब्लैक से, यू नो, काफी टेंडर होता है। इसे ट्राई करना तो बनता है। ये क्या है? ये पीस काफी मीठे होते हैं। ओह, ये है थाई पम्पकिन। देखिए, इसकी स्किन देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन ये आम पम्पकिन से ज्यादा स्टार्ची होता है। हमें मीट की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनका अपना शानदार टेस्ट होता है। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। फ्रॉम द अर्थ। गो एंड कम एंड कुक। ओह, हेवन। सबसे पहले जीरा, अगर ज्यादा डाला तो इंडियन करी जैसी स्मेल आएगी, इसलिए ज्यादा नहीं। अब व्हाइट पेपर। डैनी, अब तुम्हारी जरूरत है। यस। आप है हमारे ब्लेंडर। एमी के हेड शेफ डैनी करी पेस्ट बनाने में मदद करते हैं। ताज़ा चुनी गई हल्दी, बारीक कटे हुए ग्यालंगल और बेहद खुशबूदार काफेर लाइम के जेस्ट से। वो इसमें डालते हैं लहसुन की कुछ कलियां और शैलॉट्स, लाल और हरी मिर्च और बिना ज्यादा गर्म के बेहतर रंगत के लिए मिर्ची के पौधे के अगले हिस्से की नाजुक पत्तियां। आप पत्तियां इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ये नहीं पता जी, था कलर के लिए डाली हैं। श्रिम पेस्ट की जगह पर एमी इस्तेमाल करती हैं रोस्टेड फर्मेंटेड सोयाबीन डिस्क, ताकि जायका और लजीज हो जाए। अच्छा, एक बात बताऊं, थाईलैंड में हमें ये आवाज शाम 4 बजे से ही सुनाई देने लगती है। यस, सभी डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। सब जगह, हर घर में सुनाई देती है। रेडी हो गया? रेडी? हाँ। लवली, अब हम कुक करने के लिए तैयार हैं। तो ये है कोकोनट क्रीम। हाँ, कोकोनट क्रीम। तो आप ग्रीन करी पेस्ट इसमें डाल रही हैं? जी हाँ। ओह, क्या खूबसूरत ग्रीन कलर है अमी। जब तक कोकोनट का ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, इसको ऐसे ही पकाना है। तो आपको नजर रखनी है ऊपर आने वाले ऑयल। हाँ, बिल्कुल। ओके, अब थोड़ा सा और कोकोनट में। जी हाँ। एक और? जी। ग्रीन करी ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है, नॉर्मल पानी डालेंगे। यह है नमक। ओके, पाम शुगर। ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। हाँ, आप फिश सॉस की जगह क्या इस्तेमाल करती हैं? सॉय। सॉय सॉस। हाँ, थाई फूड में बैलेंस होता है, थोड़े से नमक और थोड़े से स्वीट और थोड़े से खट्टेपन का, कुछ ऐसा ही। जब सब कुछ सही होता है तो जादू होता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। तो अब आप इसमें कुछ सब्जियां डाल हाँ, रही हैं? क्योंकि ये तैयार है, बस 5 मिनट और लगेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, तब तक हम वाइल्ड जिंजर काट लेते हैं। अब आप जल्दी से मेरी मदद कीजिए बेसिल की पत्तियां तोड़ने में। फूल भी, लेकिन पुराने नहीं। नॉट टू मच। हाँ, पत्तियों से ज्यादा फूलों में फ्लेवर होता है। या। और लाल मिर्च, बहुत बढ़िया। मैं थैंक यू, मैं जल्दी कर रही हूँ। तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो। ओके, और अब लेंगे काफेर लाइम लीव्स। ओके, तो कुछ मुट्ठी भर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आखिर में जब आप आंच बंद कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है ग्रीन करी, वेजिटेबल ग्रीन करी। बहुत खूबसूरत लग रही है। ओके, देखे जरा। वाओ, अनबिलीवेबली फ्लेवर। हाँ, हर चीज बिल्कुल फ्रेश है, एकदम लाइक परफेक्ट। परफेक्ट, वेल डन। वेल डन मिस। मैं इनके दूंगा $1500। सारे सामान के
वो मुझे कम से कम ऑफर देगा, फिर मुझे उससे बहसबाजी करनी पड़ेगी। ये गोरिल्ला कितने का? 5,000 से कम सवाल ही नहीं। लॉटरी लग गई, छक्का मार दिया। कभी थोड़ा कमाओ, कभी बहुत। जेफ श्वार्ट्ज है द लिक्विडेटर। अगला प्रोग्राम फॉक्स लाइफ पर। बहुत सारे किचन्स में आज जमीन से मिलने वाली सब्जियों और फलों को ना सिर्फ एज इंग्रेडिएंट्स देखा जाता है, बल्कि उन्हें डिशेस में रंग और जायका लाने वाली सौगात समझा जाता है। शेफ्स की कोशिश होती है कि उनसे शानदार फ्लेवर निकालकर अपनी ऐसी कमाल की टेक्निक से पेश करें जो किसी ने ना सोची हो। आज वो काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन शेफ मार्टिन बेन। उन्होंने जिंदगी में बहुत ही तेजी से तरक्की की जब वो अपने देश यूके के मार्को पियर वाइट की किचन से सिडनी आए और फिर पहुंचे तेत्सुवा वकुडा, जहां वो 25 साल की उम्र में बन गए हेड शेफ। उन्होंने अपने पार्टनर विकी वाइल्ड के साथ 2009 में अपना सीपीआर रेस्टोरेंट खोला और दुनिया भर में छा गए। आप चाहते हैं लोगों को ऐसा तजुर्बा हो जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया। जी हाँ, वो जो कुछ देखते हैं मेन्यू में या अपने दिमाग में सोचते हैं, मैं उससे कुछ बिल्कुल हट के उन्हें चीज पेश करता हूँ। आपको ये अच्छा लगता है? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो देख पाते कि उस सबको बनाने में क्या कुछ करना पड़ता है, तो क्या इससे उनका एक्सपीरियंस और बेहतर नहीं हो जाएगा? हो सकता है, पर अगर वो सब कुछ देख लेंगे तो राज पर से पर्दा तो फैले उठ गया ना। अगर कोई जादूगर आपको बता दे कि वो ट्रिक्स कैसे करता है, तो आप कहेंगे कि अच्छा, ऐसा होता है। मार्टिन की डिशेस में होती है साइंस एंड आर्ट। इनमें नजर आता है इनका बरसों का तजुर्बा और ये लगन जिससे ये जुटे हैं बिल्कुल आम तौर पर मिलने वाली चीजों की मदद से स्वाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के मिशन पर। ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है बीटरूट के लिए। हमारा एक खास रिश्ता होता है बीटरूट के साथ। खूबसूरत रंगत, कमाल का टेक्सचर, आपको टेक्सचर के साथ ही बहुत कुछ करने का मौका देता है। इसका अपना एक खास फ्लेवर है, इसमें बहुत सी लेयर्स हैं। आपको अक्सर बीटरूट और गोट्स चीज एक साथ मिल जाएंगे कई सैलेड फॉर्म्स में। तो हम लेंगे थोड़ा सा शेरी विनेगर, कास्टर शुगर और फिर बस इसे रिड्यूस करेंगे। मेरे दिमाग में है कि मैं इसमें कुछ बदलाव करूं ताकि बीटरूट के अलग टेक्सचर से कुछ कर सकूं। एक तो है बटर, एक है जली और एक है राई क्रम। सब बने हैं बीटरूट से। सबसे पहले ये शीट्स लेंगे बीटरूट जली की और ऐसे ये स्प्रे करेंगे। बीटरूट को जरूरत है थोड़ा रिड्यूस किए जाने की, तो हम लेंगे 3 ग्राम एगर, इसे उबालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 140 मिल्स इन सभी ट्रेज में। क्या शानदार कलर आ रहा है। ऊपर से ये बबल्स हटाता हूँ मैं। इसके बारे में जरा बताइए, मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा? अरे वाह, ये बबल्स गायब हो रहे हैं। सिर्फ हेयर बबल्स ब्लो करते हैं और वो सेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम कुछ छोटे सर्कल्स काट लेंगे और इसके बाद अब हम आएंगे बीटरूट बटर पर जो थोड़ा गर्म है। अब हम कुक करेंगे बीटरूट्स को थोड़े से बटर और थोड़े से सॉल्ट के साथ। ये हम करेंगे एक वैक्यूम में और फिर इन्हें स्टीम करेंगे। एक तरह से बटर को छान लेंगे और पानी को निकाल देंगे, देखिए इस तरह। अब हम इसे स्कोर करेंगे, दोबारा से फ्लेवर और कलर को बढ़ाएंगे और फिर इस बटर को दोबारा बीटरूट में ब्लेंड कर देंगे। तो हम डालेंगे अब थोड़ा सा जैंथियम, ये एक थिकनिंग एजेंट होता है, सॉल्ट और थोड़ा सा शेरी विनेगर। बहुत ही खूबसूरत और वेलवेटी लग रहा है। जी हाँ, मेलो मेलो बीटरूट। बीटरूट बटर। अब बारी है राई क्रम की, तो ये है राई ब्रेड। इसे मैं डालूंगा इस रिड्यूस्ड बीटरूट में करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए और उसके बाद हम इसे डालेंगे डिहाइड्रेटर में। वाओ, ये तो क्रिस्पी हो गया। अब हम इस्तेमाल करेंगे एक ओखली और मूसल इसे अच्छे से पीसने के लिए और आपको मिलेंगे सब हिस्से राई के, सारे बीज, सनफ्लावर सीड्स और बहुत कुछ जो छुपा होता है राई के अंदर। अब लेंगे ग्लास, इसे कहते हैं बीटरूट ग्लास। ये होता है वो जूस जिसमें होता है स्टार्च, इसे कहते हैं कुजू। ये एक जापानीज पोटैटो स्टार्च है बेसिकली,
होता यह है कि ये स्टार्च पैन के नीचे के हिस्से पर चला जाता है, कोएगुलेट करना शुरू कर देता है। हाँ। देखिए रंग कैसे बदल रहा है इसका, रंग बदलते देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ। चमक आ रही है अब इसमें। देखिए जरा जो आप करते हैं उसमें कई चीजें बहुत मजेदार होती हैं। अब हम बीटरूट जूस को अच्छे से फैला देंगे एसिटेट पर, जो कि होता है एक क्लियर प्लास्टिक, और सूखने के बाद ये बन जाता है बहुत इवन। ओह, ऐसा लग रहा है आपने इसको यहाँ बनाया और वहाँ तैयार हो गया। जी हाँ, अब हम इसे अच्छे से तोड़ेंगे और फिर ओखली और मूसल से अच्छी तरह पीसेंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि इसका फ्लेवर बढ़ जाए। जी हाँ, साथ ही लुक भी। तो अब हम बनाएंगे मिल्क फोग। लुक, एक छोटा सा क्लाउड जिसे हम रख देंगे ट्रे के ऊपर और फिर इसे सूखने देंगे ओवन में। ओह माय गॉड, ये तो क्लाउड हो गया। यह बहुत ही फ्लैट, बहुत ही क्रिस्पी, मुंह के अंदर घुल जाता है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे नर्म सा फ्लैट मिल्क मेरीन और बहुत सटल गोट। या और रुबाब जेल से मिलती है एसिडिटी इस डिश को। रुबाब जूस, शुगर, और अब हम इसे रिड्यूस करेंगे आधे तक, और अब इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी साइंस। मुझे देखना है पीएच लेवल, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सेट करने की एक एसिडिक लिक्विड विद एगर, पर उसे बिल्कुल नहीं पसंद ज्यादा एसिडिक माहौल, इसलिए हमें बदलना पड़ेगा पीएच लेवल। ये कैसे करेंगे आप प्रोफेसर? इसके लिए हम इसमें डालेंगे सोडियम सिट्रेट, और ध्यान रहे कि 3 से 3.2 के बीच ठीक रहता है। यह है एगर, और अब हम इसे बदलने जा रहे हैं एक जेल में। इसे थोड़े बर्फ के पानी पर रखेंगे, जस्ट टू सेट इट। बर्फ के पानी में इसे सेट करने के लिए रखेंगे? कमाल का लग रहा है, तराशे हुए हीरे। हाँ? सही कहा। और अब ब्यूटीफुल जेल। जी हाँ, जेल, और अब हमें हवा बाहर निकालनी होगी, इसके लिए हम इसे रखेंगे वैक्यूम में। फिर से बन गया है ग्लॉसी, कमाल का चटकीला रूबी रेड कलर, और टेक्सचर भी है इसमें, देखिए इट्स नाइस एंड थिक। अब हम बनाएंगे बीटरूट और गोट्स चीज की लेयर्स, जैसे हम बनाते हैं रेस्टोरेंट में। तो यह है शेवर यहां पर नीचे रुबाब के साथ, दोनों ठंडे हैं जबकि जली होगी रूम टेम्परेचर पर, और फिर थोड़ा बीटरूट बटर सबसे ऊपर, फिर हम डालेंगे राई क्रम बटर के भी ऊपर, और यूज करेंगे कुछ लिनेरिया फ्लावर्स, पर्पल लिनेरिया, यह फूलों की एक पुरानी इंग्लिश वैरायटी। इसे बनाने में इतना कुछ किया गया है कि मैं इसे टेस्ट करने का इंतजार भी नहीं कर पा रही। ये जेली बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नर्म है, तो आइए लीजिए अपना एक स्कूप। हाँ। क्या बात है, बीटरूट और भी बहुत कुछ। ये है क्रीमी क्रंची और लाजवाब।